काशी से शंखनाद कर रहे हैं 2024 का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबका फोकस युवाओं और दलितों की ओर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा गया है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सीर गोवर्धन में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए और संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार सबकी है और रविदास के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इन्होंने हमारी सभी योजनाओं का मजाक बनाया, लेकिन आज वही योजनाएं गरीब, जनता, दलित, पिछड़े सबके लिए बेहतर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी होगी। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने वाले, उन्हें लड़ाने वाले, पर भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। जाति की भलाई के नाम पर ये लोग अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति भी करते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज दूसरा दिन है उनके वाराणसी दौरे का, और उन्होंने कहा कि सिर्फ जातिवाद के नाम लोगों को बांटा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मोदी के इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव तो सामने है ही, इसके अलावा जो कुछ भी मोदी बोलते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण होता है कि वो क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इनके काशी दौरे को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं कि उनकी हर हरकत टेलीविजन चैनल पर आती है, हर बात, हर संबोधन, हर कार्यक्रम वो टीवी चैनल में उनका हिस्सा होता है, तो ये उनके लिए फायदे की स्थिति है। काशी वो पहुंच रहे हैं, जाहिर बात है कि अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अपने चुनाव क्षेत्र में जाना उनका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं। तो इसमें जो बातें राजनीतिक रूप से वो कह रहे हैं, वो राजनीतिक नेताओं को उसका जवाब देने की जरूरत है कि वो दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बनाने की बात कर रहे हैं, उनके प्रति वफादार रहने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये बता रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं दलित और पिछड़ों का केवल नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी योजनाओं का विरोध करते हैं। जी प्रेम कुमार जी, युवाओं पर विशेष फोकस है। देखिए, न्याय जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उनमें भी उनका फोकस युवाओं को अपने साथ लेने का है। इधर फोकस बीजेपी भी कर रही है, इसे किस तरह देख रहे हैं कि हाँ, अब युवाओं को जोड़कर एक अपनी अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, उसमें क्या लगता है? युवा आज का समझदार है, वो देख भी रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होता, सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करने से कुछ नहीं होता। युवा हमेशा से चुनाव में महत्वपूर्ण रहे हैं, नए वोटर भी महत्वपूर्ण होते हैं, और प्रधानमंत्री जी को पिछले दो चुनाव में युवाओं का पूरा साथ मिला है। उन्होंने युवाओं को ध्यान में रख करके बड़े बड़े सपने भी दिखाए, बेरोजगारी दूर करने का या कम से कम 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, लोगों से कहा कि एक नए भारत का निर्माण होगा, न्यू इंडिया जैसे नारे उन्होंने दिए। पुलवामा में शहीदों के नाम पर उन्होंने युवाओं से वोट मांगे थे, पहली बार वोट मांगे थे, हालांकि ये चुनावी रूप से गलत था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको क्लीन चिट दी थी, फिर उस पर सवाल उठते रहे, लेकिन युवाओं को उनको जोड़ने की एक पूरी योजना रहती है। इस बार भी है, फर्क ये है कि इस बार युवा गुस्से में, हर बार युवा उम्मीद में रहते थे, उन पर एतबार करते थे, और इस बार युवा सड़क पर हैं। कहीं पेपर लीक के मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सब जगह हैं, बिहार में भी आप देख रहे हैं कि शिक्षक भी सड़क पर हैं, नौजवान भी सड़क पर हैं, इधर देश में देखें तो किसान सड़क पर हैं, महाराष्ट्र में देखें मराठे सड़क पर हैं, कर्नाटक में भी लोग सड़क पर हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज जिस तरीके से सड़क पर लोग हैं, तो इसमें
एड्रेस करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि युवाओं को जो आप भरोसा दे रहे हैं, तो बीते समय ऐसा क्या हुआ कि आज युवा नाराज है, गुस्से में है और आपकी बातों पर यकीन क्यों करें, कैसे करें? ये सब बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी के सामने है जी। और क्या प्रेम जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि भले दिख कुछ रहा हो लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, यानी इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में देखिए एक धारणा बन गई है कि गठबंधन से या कुछ पार्टी को तोड़ लेने से या जोड़ लेने से चुनाव बदल जाता है। ऐसा होता है जब जनता उस आधार पर संगठित रहती है, लेकिन जनता को जब एड्रेस नहीं करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो वैसी स्थिति में जनता एक अपने अलग किस्म से फैसला लेती है। इस बात को नहीं देखती कि कौन किसके साथ अलाइन हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा है। तो इस बार जनता मेरे ख्याल से बेचैन है और ये बेचैनी जो है, और बीते चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी देखिए तो किसी भी सरकार को रिपीट करने का अवसर कम दे रही है जनता। जनता सरकार बदल रही है, ये भी हमें दिख रहा है। यानी सरकार चाहे स्टेट लेवल पर किसी पार्टी की हो तो जनता उसके खिलाफ वोट कर रही है और ये बेचैनी दर्शाता है। देखना है कि लोकसभा चुनाव में क्या रुख रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमें वक्त देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है और अब उसे ये कोई इतनी आसानी से ये नहीं कह सकता कि हमने ये किया, क्या किया है वो ज़मीन पर दिखना चाहिए और यदि नहीं दिख रहा है तो जवाब फिर कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे देना तो पड़ेगा। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री